कमांड रही आपको? जनप्रतिनिधि यहाँ पे मिले थे, इसके अलावा कल हम लोगों की इलाहाबाद में माननीय सांसदों के साथ और उनके प्रतिनिधि साथ मीटिंग थी। तो डिमांड तो अधिकांश गाड़ियों के बारे में है और आप लोग जानते हैं कि इलाहाबाद का जो मेन लाइन वाला ये हमारा सेक्शन है बहुत ही बिजी है और हम लोग यहाँ पे चाह कर भी गाड़ियाँ बहुत नहीं चला पाते हैं, लेकिन जो भी डिमांड गाड़ियाँ चलाने की है उनको हम लोग देखेंगे और जो भी अधिक से अधिक बेहतर हो पाएगा उसको किया जाएगा। सर इटावा और कितना सुलभ स्टेशन और ज्यादा सुविधायुक्त कैसे हो सकती है? अभी तो मुख्य तौर पर यह है कि जो दोनों साइड में क्रॉसिंग्स हैं वहाँ पे इधर की तरफ फ्लाईओवर बनने की आवश्यकता है, आरओबी बनने की जरूरत है। निश्चित तौर पे जो रोड यूजर्स हैं उनको भी बहुत दिक्कत है, हम लोगों को रेल यूजर के रूप में भी बहुत दिक्कत है क्योंकि गेट कभी बंद नहीं हो पाता है, लेट हो जाता है बंद होने में। और दूसरे एंड पे जो एफओबी बननी है वो हम लोगों की अभी टॉप प्रायोरिटी है और जैसा मैंने बताया कि कोच इंडिकेशन बोर्ड ये होना चाहिए ये भी है और जो गाड़ियों के ठहराव हैं वो होंगे और जैसे जैसे यहाँ पे यात्री आते हैं और यात्री आते हैं वैसे वैसे स्टेशन का जो रेलवे के मानक है उनके अनुसार हम लोग जो विकास प्लान करेंगे उसको करेंगे।